गली गली तेरी लाल। सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मम्मी बोलो हैप्पी दिवाली। सबको मेरी शुभकामनाएं। हेलो गाइस, दिस इज मैं अभिषेक एंड वाचिंग माय चैनल ताबिस डायरीज। व्लॉग इसमें स्टार्ट किया था, एंड में करूंगा, ठीक है। तो अभी भाई सारे ना, मतलब मैं अभी ऑफिस से आया था, आके बैठे हो अभी, मामा मामा सब बैठे थे, दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बाकी की जानकारी गुड़िया देगी हमारी, गुड़िया शेख। गुड़िया शेख। चलो आज का ब्लॉग मैं शूट करूंगी, तो आज मैं क्या क्या करेंगे, हम दोनों पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे आज, दिवाली बनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। आलू बम आज फोड़ेंगे, पटाखे तसले के नीचे रखकर तसला सीधा उड़ा देंगे। और तसले को बिठाएंगे, सुतली बम, सुतली बम जलाएंगे, नार बम, पुस्सी बम। जब छोटे थे ना, जब ले जाते थे बम 5 रुपए के, 3 रुपए जलाता था, अब तो वो 30-40 रुपए का हो गया है। जलाएंगे लड़ी सी बट 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 मुर्गा छाप है, मुर्गा छाप। अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी मैं दिल्ली से आगे बैठा हूँ, मैं अभी मोबाइल भी ठीक करना, मोबाइल भी खराब हो गया दिखाऊंगा, उसके बाद थोड़े बहुत पटाखे ले आएंगे, जलाएंगे। और जो भाई साहब ये बोलते ना कि क्रैकर्स मत यूज करो और ये ना करो, ना करो, यूज मत करो ज्यादा, लेकिन अपने घर में थोड़ा बहुत फोड़ सकते हो, इतना भी नहीं फोड़ोगे हम पोल्यूशन फैल जाए। जला लो बस, ग्रिल पटाखे। हाँ मच्छी लगे करती हुई बड़ी हो गई। मामा कौन से फोड़ेंगे? हम तो हाथ में भटकाएंगे। मामा कौन से फोड़ेंगे? मामा कौन से भटकाऊंगे? मैं तो ग्रीन पटाखे फोड़ूंगा, उसको दीवार में मारे सिद्धे। भाई ये देखो, ये ना वही वाले मामा है जो मुझे कमेंट में एक बार मैंने वीडियो बनाई थी ना, सब कह रहे कि जुड़वा जुड़वा जुड़वा, तो भाई हम जुड़वा दिखते हैं अभी जाके, थोड़ा सा ना शक्लें चेंज हो गई हमारी, मैं एक टाइम पर जुड़वा हो चुके हैं, हेयर स्टाइल भी इन्होंने बड़े बड़े बाल रख लिए। चलो बाय। अभी गुड़िया आई है, अभी मम्मी ने सारे यहाँ पर कपड़े फैला रखे हैं। मम्मी क्या कर रहे हो? क्या फला रखे हैं? मम्मी मैंने कहा कि धंधा करना, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हम? तो भाई अभी तो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हो, मम्मी ने सर्दी के कपड़े निकाल दिए हैं। अभी हम ये क्रैकर्स है ना, मैं थक गई भाई, मेरी फेवरेट चीज भी भाई आया। सुन, जब मैं छुट्टी पे नहीं होता ना, तब तू तब मैं ब्लॉग शूट करूंगा, जब मैं ऑफिस होता हूँ तब मैं करा लूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, तुम भी ब्लॉग करना, तुम्हें हमें लेना ही लेना। तो दोस्तों, तो आप जैसे कि आपने नोट किया होगा, मैंने अपने बालों की कटिंग करा ली है, और मैंने गंद फैला रखा। अभी मैं भी बाहर से आया हूँ, हमारे घर में मिठाई आई है, आप बहुत ज्यादा आ चुकी है, मतलब पता नहीं कितने दिन तक चलेगी। हमारे घर पे ऐसे ही होता है, जब ईद आती है ना, जब ईद आती है तो हमारे हम लोगों को स्वीट्स वगैरह देते हैं गिफ्ट के तौर पे, उनको घर पे बुलाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। तो ऐसे जब दीपावली आती है या कुछ और दूसरे त्योहार आते हैं, तो फिर वही गेस्ट हमारे घर पर आते हैं, हमको ऐसे स्वीट्स वगैरह देते हैं। इससे क्या प्यार मोहब्बत बढ़ता है? इससे क्या है कि प्यार मोहब्बत है ना, बना रहता है एक दूसरे में, मतलब आपसी जो प्यार वो बना रहता है। तो अम्मी अभी क्या कर रहे हो? अम्मी अभी सर्दियों के कपड़े निकाल रही है, क्योंकि ठंड आ चुकी है, और सुबह शाम की पहले ठंड थी। क्या कर रही तू? क्या कर रही तू? ये देखो मिठाई कट, ये देखो दिखा दो, क्या इसमें दिखा दो, क्या इसमें तो मुझे तो देना, क्या इसमें मैं दिखा दो, फ्रूटी मैं नहीं पीता, फ्रूटी बच्चे पीते हैं। ये देखो, ओहो ये पापा की फेवरेट है ना कि मेरी, बोला था तो पापा की फेवरेट है सच में। तो अभी मम्मी निकालिए सर्दियों के कपड़े, क्योंकि ठंड आ चुकी है, और अभी मम्मी ने जैकेट वगैरह निकालने शुरू कर दिए। पहले खिलाएंगे मम्मी को, लो मैं खाऊं। तुमने मेरा फोन ले रखा? लो खाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से कर लो। चमचम का और ऊपर तक रोटी पे सर पर देगा। मैंने क्या करा? इसने छोटे-छोटे बाल करा लिए भाई। ये क्या? मैंने ये किया, मैंने ये बाल कैसे हैं? ऐसे कैसे? हट जा, 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 जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। छोटी किस किस को पसंद है? तो सबसे ज्यादा मजा पता क्या है, जब ठंड शुरू होती है ना, तो जैकेट्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि जैकेट्स ना बड़ी प्यारी लगती है पहनने में, खाली हरे कैमरा। अच्छा अच्छा, मैं फ्रूटी में जाना, प्यारी होती है पहनने में। तो अब मैंने बहुत सारी मेरे जैकेट्स निकाल दिए,
और जो मेरे समर के जो कपड़े थे वो सब वापस रख रही हूँ। और दोस्तों मैं बता दूं, मैंने ना इनका शूट नहीं किया था क्योंकि मैं गया था कुछ काम से, और फिर वहां पे जो मेरा फ्रेंड था वो थोड़े क्रैकर्स ना मतलब सेल कर रहा था, तो मैं उसको थोड़े बहुत ले आया क्योंकि दिवाली बनाएंगे, बिना पटाखों के दिवाली में कोई मजा नहीं है। थोड़े बहुत से इतना मत करो कि इतना मत करो कि पोल्यूशन ज्यादा फैले, बस थोड़ा बहुत। और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा क्रैकर ऐसे जो कि मतलब बहुत ही कम स्मोक देते हैं, हल्के हल्के बच्चों वाले फुलझड़ी जैसे, जब नासिर भाई आ जाएगा ना तब रात को ये क्रैकर्स। तो भाई इन दोनों की लड़ाई हो रही है, और ये वाली जैकेट जो है ना मेरी है डेनिम, जो कि इसने पहले इसका मूड ऑफ हो गया है क्योंकि अम्मी ने इसको अभी डांट फटकार ललकार सत्कार सब लगाया। ठीक है, तो भाई ये वाली मिठाई ले गए पापा, मतलब पापा के फ्रेंड ने मिठाई दी है। अभी मैं उतार लेता हूँ ये वाला बल्ब और ऊपर जा रहे हैं छत पे पटाखे छुटाने के लिए, वहाँ पे रोशनी चाहिए क्योंकि रोशनी नहीं आता। मैं दिखा देता हूँ ये मैंने बल्ब क्यों लिया है, क्योंकि देखो यहाँ ना कैमरे का देखो इस साइड ना, मतलब ये ऊपर का सबसे ऊपर की छत है हमारी, यहाँ पे क्या है कि अंधेरा है काफी ज्यादा अंधेरा, तो हम यहाँ पे ना बल्ब इंसर्ट करेंगे इस साइड। तो भाई रोशनी हो गई है और मुझे पता है कि मेरे पापा मुझे वहां से देख रहे हैं, वहां से नीचे, क्योंकि पापा अभी मैंने वीडियो ऑफ की थी ना, पापा कहते देखूंगा ऊपर जाकर तुम पटाखे कैसे जला रहे हो, तो कमरे जो कैमरे होते हैं ना उनके भाई डिसएडवांटेजेस भी बहुत है और एडवांटेजेस भी बहुत है। एडवांटेजेस ये कि चोरी चकारी होने से बच जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस ये कि हम जैसे बच्चे जो कि थोड़े नटखट और चंचल है उनकी जो है आजादी छीन ली जाती है उनके माँ बाप के हाथों कैमरा लगवा कर। मुझे ना सबसे ज्यादा मजा पता किस में, तो सबसे ज्यादा मजा मतलब जो बचपन में बहुत ज्यादा था वो ये है फिर की बात। यार स्वाद आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। गुड्डू ए गुड़िया जल्दी आ जा। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है मुझे कम से पटाखों से क्रैकर से बहुत डर लगता है। मैंने चलाए थे सारे मेरे पीछे मजा आ गया। Yeah.
रही हो और क्या कर रही है? क्या उल्टा उल्टा काम कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? ओ अरे बम धरा के, बम धरा के, बम धरा के। तो दोस्तों हमने तो अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर लिया, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सभी ने कैसे दिवाली को सेलिब्रेट किया है। और हम थोड़ा सा फन कर रहे थे लेकिन सेफ्टी भी ध्यान में रख रहे थे, हम खाली आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम ये सब कर रहे थे और खुद भी एंटरटेन हो रहे थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन को दबाकर हटा यार। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना फटाफट अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो। और सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन, गुड़िया की साइड से, मेरी साइड से, हमारी फैमिली की साइड से, तहे दिल से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए दिन। तो बाय दिवाली, बाय।